वेल माइनक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर काफी सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। इनमें से काफी सारे सीक्रेट्स तो ऐसे हैं जो कि हमेशा नॉर्मल प्लेयर से छुपे रह जाते हैं, लेकिन आज के डे में मैं जो है कुछ रेयर सीट्स के अंदर जाने वाला हूँ जहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी काफी सारे सीक्रेट रूम्स छुपे हुए हैं। और आज के डे में मैं जो है बारी बारी करके इन सारे सीक्रेट रूम्स की लोकेशन आप लोग को बताने वाला हूँ, ताकि आप सब लोग जान सको कि आखिर इन सीक्रेट रूम्स के पीछे माइनक्राफ्ट ने आपसे कौन कौन से सीक्रेट छुपा के रखे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को चाहिए एक फ्री का हार्ट और एक शाउट आउट इन सभी लोगों की तरह, तो फिर अभी कभी लिखो कमेंट के अंदर पैरेलल्स ओपी एंड आपको भी एक फ्री का हार्ट मिल सकता है एंड शाउट आउट मिल सकता है अगली वीडियो में। और हाँ, ये जो सीक्रेट रूम्स होने वाले, ये हर सीट के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा चुनिंदा सीट्स के अंदर आप लोग को मिलने वाले हैं। और जैसे इस वीडियो पर 10K लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे ही मैं उन सारी सीट्स को रिवील कर दूंगा अपने पिंड कमेंट के अंदर। तो भाई अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम लोग को डर लग रहा है कि ये वीडियो तुमसे मिस हो जाएगी या छूट जाएगी, तो फिर इसे वॉच लेटर में भी डाल देना, जिससे ये वीडियो तुम्हें दोबारा रिकमेंड हो जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसे और रेयर सीक्रेट रूम्स के बारे में जानना है तो। एंड अब इसी के साथ बिना किसी देर के आज की वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारी पहली वीडियो, और इसमें जो हमारा बंदा है ना, वो यहाँ पर आ जाता है एक अजीब सी लोकेशन के ऊपर, एंड पता नहीं ये कुछ तो ढूंढ रहा है। एंड ओके, तो ये आगे बढ़ता है, एंड वो देखो भाई मेरे को यहाँ से एक रुइंड नेदर पोर्टल दिख रहा है, और मुझे नहीं पता था भाई रुइंड नेदर पोर्टल के अंदर भी कोई सीक्रेट रूम हो सकता है। एक मिनट, ये इसके पास जा रहा है। एंड ओके, ओ मैं हमेशा सोचा करता है रुइंड पोर्टल हमेशा टूटे क्यों होते हैं, आखिर इन्हें तोड़ा किसने? शायद से इसके सीक्रेट रूम के मिलने के बाद ही। ओके, तो यहाँ पर ही खोल रहा है, एंड आई थिंक इसे कुछ ना कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। ओ भाई, ये तो पूरा एक हिडन बेस है, मुझे नहीं पता रुइंड नेदर पोर्टल के अंदर एक पूरा हिडन बेस मिल सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। ओके, ये तो कुछ ज़्यादा ही ओपी बेस लग रहा है। मतलब अगर तुम लोग सर्वाइवल में ये खेल रहे हो ना, तो फिर तुम लोग जो है अपना खुद का एक बेस बना सकते हो इसके अंदर, एंड यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील भी रखी हुई है पहले से ही। ओके, तो ये बंदा जो है नेदर पोर्टल को लिट कर रहा है, एंड भाई साहब ये देखो, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे छुपी होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। ऑलराइट, तो मैं उसी सीट के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे इस बंदे को रुइंड पोर्टल के अंदर वो सब मिला था। तो ये देखो, वो हमारा रुइंड पोर्टल मेरे को यहाँ से दिख रहा है, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे सेफली उतरना पड़ेगा। ओके, डैमेज तो पहुंचेगा ही ऑफकोर्स। ओ नो, बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है, गिरते गिरते मैं तक क्यों मर रहा हूँ। बट एनीवे, जल्दी से आगे चलते हैं एंड देखते हैं आखिर यहाँ पर जो हम ढूंढने आए वहाँ पे मिलेगा या फिर नहीं। तो उस बंदे को भी यहीं कहीं पे मिला था आई गेस, एंड यहाँ पर खोदने से आई गेस, एंड मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कहाँ पर मिलने वाला है हमें वो। यहीं पर था ना वो, इस साइड आई गेस। ओके चलो, मैं खोदता हूँ नीचे स्ट्रेट डाउन, एंड देखते हैं अगर हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके ओके, ये चीज़ तो एक्चुअल में वर्क करती है। एंड ये देखो, हम आ चुके हैं फाइनली जहाँ पर आने वाले थे, और ये देखो भाई यहाँ पे हर तरफ लावा ही लावा गिर रहा है जैसे उस बंदे ने दिखाया था। बट वेट अ मिनट, यहाँ पर ओके मेरे को लावा लग गया था यहाँ पे गलती से, यहाँ पे हर चीज़ इतनी जल रही है ना, और यहाँ पर देखो भाई ये क्या चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे किसी तरह का प्रिजन है, पता नहीं किसके लिए है प्रिजन, एंड यहाँ पर तो कोई भी नहीं है एक्चुअली में। बहुत सारे अजीब अजीब मॉब्स की आवाज़ आ रही है मेरे को, लेकिन वो कोई अलग बात नहीं है। एंड यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल रखे हैं, थोड़े इंगट्स वगैरह रखे हुए हैं, मेरे लिए मस्त सामान है। एंड ये देखो भाई, ये ऐसा पूरी गुफा सी बन रखी है यहाँ पर, लेकिन जो उस बंदे ने दिखाया था उससे थोड़ा अलग है, तो हो सकता है ये सीट टू सीट वैरी करता हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलग है, और काफ़ी सारे लोग इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि बहुत गहराई में है एक्चुअली में। तो यार, रुइंड पोर्टल के आसपास खोदना और आपको भी सीक्रेट रूम मिल सकता है अपनी सीट के अंदर अगर आप लकी हुए तो। तो हमारी लिस्ट का दूसरा सीक्रेट रूम निकलने वाला है, एंड ये बंदा एक विलेज के अंदर आ चुका है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे विलेज के अंदर हमें कुछ ना कुछ सीक्रेट रूम मिल सकते हैं, क्योंकि विलेज तो भाई बिल्कुल नॉर्मल पीसफुल जगह होती है। तो ओके, ये यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है मेरे हिसाब से, एंड ओके यहाँ पर एक बेल है और एक विलेजर है, और ये ओके इसने विलेजर को मारा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड ओके, इसने बैल को तोड़ दिया, एंड ओके ये तो ये मुझे, एक मिनट, क्या इस बैल के नीचे एक सीक्रेट रूम है? मैंने आज तक ना जाने कितनी बैल तोड़ी है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सोचा इसके नीचे एक सीक्रेट रूम भी हो सकता है। ओके, सो अभी तक तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन होप करते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए। एंड एक मिनट भाई, वहाँ पर मैंने कुछ देखा। ओके, यहाँ पर एक अजीब सा, ओके तो आई थिंक यहाँ पर एक सीक्रेट रूम का रास्ता है। एंड भाई साहब, ये कितना गहराई में है ये, अब मैं समझा यहाँ तक कोई प्लेयर क्यों नहीं पहुँच पाते। ओके, इसने ऊपर से वाटर का फ्लो भी बंद कर दिया है, एंड अभी और नीचे जा रहा है, एंड यहाँ पे मेरे को फाइनली वुड दिख रही थी, एंड ओके यहाँ पर एमरल्ड ब्लॉक्स हैं, और एक और नीचे सीक्रेट हाइड आउट बना हुआ है। ये मुझे लग रहा है विलेजर्स ने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया होगा यहाँ पर, ताकि जस्ट इन केस अगर रेड हो जाए। क्या कर रहा है भाई? ओके, तो ये बंदा अपना सर बहुत बुरी तरह से हिला रहा था, बट एनीवेज इस चीज़ को मैं भी अभी ट्राई करना चाहूँगा जल्दी से। ओके, तो अब मैं आ चुका हूँ उसी विलेज के अंदर जहाँ पे उसने बेल वाली चीज़ ढूंढी थी, एंड यहाँ पर सेम सीड है मेरा, और ये रही हमारी बेल। तो आई थिंक उस बंदे ने यहीं कहीं पर खोदा था, और उसे इसी लोकेशन के अराउंड
अराउंड हमारा मिला था। क्या क्या हो रहा है ये? उसे मैं बोल रहा हूँ इसी लोकेशन के अराउंड मिला था। ओके ये रहा भाई, एक अलग सा कॉबल स्टोन निकलेगा। नाइस, यही है। देखो पहले, सबसे पहले वाटर को बंद करो, ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था मेरे को। एंड चलो देखते हैं यहाँ पर। मैं एक तो स्ट्रेट डिगिंग करता हूँ ना, तो मैं हो सकता है भाई मेरे को खतरा भी रहे, बट कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो जितना हो सके उतना नीचे खोदो और हम लोग को वो मिल जाना चाहिए जिसकी हम तलाश में आए हैं यहाँ पर। एंड ओके वो ये जो उसने दिखाया था वो तो नहीं है बेसिकली। यहाँ पर एक ओके यहाँ पर एक बेड है वैसे, एंड एक फर्नेस भी है लेकिन जो खाली है, एंड यहाँ पर लावा भी है। तो जो उसने दिखाया था ये उससे थोड़ा अलग दिख रहा है मेरे को। लेकिन ओके सीक्रेट रूम तो है, लेकिन उसने आई थिंक क्लिकबेट के लिए सब किया था, बट कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, एक सीक्रेट रूम एग्जिस्ट तो करता बेल के नीचे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर है और उतना ज़्यादा कुछ बड़ी भी चीज़ नहीं, छोटी सी चीज़ है। ओके तो अब हमारा बंदा आ चुका है स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, और मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर वो एक ऐसी जगह है जहाँ के अंदर बहुत सारे हमें सीक्रेट्स मिल सकते हैं। तो ये शायद से एक सीक्रेट रूम को मिलने के बाद कोई ना कोई हमारी मिस्ट्री अनसॉल्व हो सकती है। एंड ओके इस बंदे ने यहाँ पर तोड़ दिया को। एंड ऑलराइट तो अब ये क्या करेगा, लिट अप करेगा कैसे? नहीं, ओ यहाँ पर लावा। हाँ मैं तो कभी सोचा नहीं इस लावा के नीचे है क्या। एक मिनट, ये बंदा भी दिखा रहा है यहाँ पर हमें। एंड ऑलराइट तो इसने पूरी जगह तोड़ दिया, लेकिन इसे अभी भी नीचे कुछ नहीं मिला। ओके और खोज रहा है, शायद से अब इसे कुछ ना कुछ मिल जाए। एंड व्हाट, नीचे माइनकार्ट वाला सिस्टम है क्या? मुझे नहीं पता था भाई हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर माइनकार्ट वाला सिस्टम भी है। एंड यहाँ पर कॉबवेब्स लग रखे हैं, वो तो नॉर्मल लाइब्रेरी आई गेस। एंड यहाँ पर किसी विलेजर जैसे किसी मॉब की आवाज़ आ रही है। एंड ओके ये जगह वो तोड़ रहा है, एंड ये किसी को मार रहा है। ओके मेरे को इन गेम आवाज़ आ रही है कि आखिर किसी को मार रहा है। एंड यहाँ पर लेकिन फिर भी कोई नहीं है, ये तो काफ़ी अजीब चीज़ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। एंड मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ इस वक्त पर क्या हो रहा है। ये चीज़ मेरे को खुद ही ट्राई करनी पड़ेगी तभी हमको समझ पाएंगे इसमें। जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास में, और ये जगह जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई, तुम लोग को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई साहब मेरे आसपास तो मॉब्स लड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे ऐसे खड़े खड़े। ओके ये यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, मैं थोड़ी कमेंट्री कम करता हूँ अपनी। ऑलराइट तो यही है वो जगह। ओ यहाँ पे सिल्वर फिशेस बहुत निकलती है, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि एक ने मेरे को काटा तो फिर यहाँ पे और डिवाइड मल्टीप्लाई होती जाएंगे। ओके ये और निकलती जा रही जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं। चलो 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 भागो 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 भागो। अरे बैकर क्या, मुझे लग रहा है ये लोग जो है मेरे को मेरा गोल कंप्लीट नहीं होने देंगे। चलो कोई नहीं, मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। एंड ऑलराइट ओके ओके ये तो अभी भी मेरे पीछे आ रही है। भाई पीछा छोड़ दो मेरा। ओके अब मेरे को मेरा काम करना है। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर चेक करना था ये कि इसके नीचे कोई सीक्रेट रूम है या नहीं। उसके अंदर पहले मेरे को ऐसे कॉबलस्टोन डाल देता हूँ। ऑलराइट और अब इस जगह खोदने की बारी है ताकि मेरे को लावा ना लगे। एंड ओके नाइस, अच्छी बात है। ओके पूरी जगह तो मैंने खोद दिया। एंड व्हाट, वही तो ये चीज़ तो एक्चुअली में वर्क करती है। इस शेड के अंदर ना एक स्पेशल जगह है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है। एंड देखते हैं यहाँ पर वही चीज़ मिलेगी क्या मेरे को जो मैं ढूंढ रहा हूँ। एंड भाई साहब यहाँ पर एक हिडन एरिया है, एक चेस्ट भी है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। एंड यहाँ पर ओके तो बस इतना ही एरिया है। मुझे पता है क्या लग रहा है, ये ना स्ट्रॉन्ग होल्ड का हिस्सा है जो कि ग्लिच करके इसके नीचे आ गया। ये कुछ सीक्रेट रूम वगैरह तो नहीं है, बट यहाँ यहाँ पे एक लाइब्रेरी से जाता हुआ एक हिस्सा दिख रहा है मेरे को। ओके मैं फंस गया भाई, निकलो मेरे को निकालो। तो यार ये एक सीक्रेट रूम है तो नहीं, लेकिन इसका सीड तुम लोग को दे दूंगा, काफ़ी ज़्यादा मस्त सीड है ये वैसे। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मेरे स्पॉन के बहुत ज़्यादा पास मिला इसमें, तो अच्छी बात है ये वैसे। ओके तो अब हमारा बंदा आ चुका है एक प्लेजर आउटपोस्ट के ऊपर जो कि बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच है। एंड मुझे लग रहा है प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर भी काफ़ी सारे सीक्रेट्स मिल सकते हैं हमें। एंड अच्छा हुआ ये बंदे क्रिएटिव है, नहीं तो ये सारे सारे प्लेजर से कच्चा चबा जाते। ओके चलो देखते हैं कहाँ मिलेगा हमारा सीक्रेट रूम हमें। एंड ओके तो ये ज़मीन के नीचे है, एक और अंडरग्राउंड बेस। तो अंडरग्राउंड बेस ही है मोस्टली ये सब के सब। एंड यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई भी सीक्रेट रास्ता दिख नहीं रहा यहाँ पर हमें। ओके देखते हैं ये कितना नीचे जाएगा एंड इसे क्या मिलता है। ओह क्या, प्लेजर आउटपोस्ट नीचे एक इतनी बड़ी टनल होती है और यहाँ पर फ्लैग्स भी लग रखे हैं, मतलब ये ऑफिशियली एक प्लेजर टेरिटरी है। एंड देखो इसने कितना ज़्यादा खोदा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक लूट चेस्ट भी है भाई साहब। एक मिनट मैं देखना चाहता हूँ आखिर से लूट में यहाँ पे मिलता क्या है। एंड ऑलराइट तो नॉर्मल बेसिक से लूट है और ये मोस्टली ऐसे लग रही है जैसे विलेज से मिली हो। तो ओके प्लेजर अपना सारा विलेज की लूट करने के बाद यहाँ पर रखते अपना सारा सामान। तो यार हम लोग आ चुके हैं उसी प्लेजर आउटपोस्ट के पास में। एंड अब जल्दी से हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसे जल्दी से तोड़ देते हैं। सेम सीड आई गेस लेकिन वर्जन चेंज हो गया, तो फिर डेजर्ट से प्लेन में आ गया है। यहाँ पर हम तोड़ते हैं जल्दी से, हमारा जो है खोदा खादी वाला काम चालू करते हैं। एंड जल्दी से नीचे जाते हैं। ओके यहीं पर आस पास कहीं पर हमें मिलना तो चाहिए रास्ता, एक सीक्रेट वाला। ओ क्या,
ओ अच्छा यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है तो, और ये बहुत गहराई में जा रहा है, आई होप ये वही हो जो मैं सोच रहा हूँ। इसमें अगर हम लोग जो है नीचे पहुँच जाते तो फिर हम लोग को जो है प्लेजर्स की लूट मिल जाएगी, वो भी अच्छी वाली जो विलेज से लूट के लाए हैं, लेकिन अब जिसको मिल गया उसी का हो गया बेसिकली। और ये जो है जगह बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में है, एंड मैं भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड वॉट, यहाँ पर तो बस एक चेस्ट है वो भी खाली, भाई मैं तो स्कैम हो गया यार। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे एक सीक्रेट रूम तो है ना, जो कि मेरे को मिल चुका है, एंड मैं जब भी अब किसी पिलेजर आउटपोस्ट के अंदर जाऊंगा तो इस चीज़ को जरूर चेकआउट करूंगा। वेल ये जो रास्ता है मेरे को सीधे ले आ चुका है बेडरॉक लेवल तक, और यहाँ पर एक अच्छा रास्ता है हमारे लिए अगर डायमंड्स माइन करने हैं तो। ओके यहाँ पे लावा भी है, बहुत बुरी बात है ये। चलो दोबारा से सरफेस के ऊपर जाते हैं, एंड ये एक अच्छी माइनिंग स्पॉट मेरे को मिल चुकी है मेरे वर्ल्ड के अंदर। वेल यार तुम्हारा क्या कहना है मेरे को बताना है कमेंट के अंदर जरूर से। ओके तो अब हमारा बंदा आ चुका है एंड के अंदर, सीधे एंड के अंदर भाई, अच्छी प्रोग्रेस इसकी। एंड यहाँ पर देखते हैं इसे कौन सा सीक्रेट रूम मिलने वाला है। वेल ये यहाँ पे उड़ तो रहा है, एंड इसने ड्रैगन को बीट कर दिया, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, बहुत कम लोग कर पाते हैं ये। अगर आपने कर रखा है तो मेरे को बताना कमेंट के अंदर। बाकी यहाँ पर ये देख रहा है, लगता है इसे यहीं कहीं कोई सीक्रेट रूम के आने पता है। एंड ओके नहीं, नो वे भाई, इसके नीचे कैसे मिल सकता है इसे, मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसके नीचे एक लूट चेस्ट है, किसने सोचा होगा यहाँ पर एक लूट चेस्ट भी मिल सकती है हमें। एंड खोल के दिखा भाई, जल्दी खोल के दिखा इसके नीचे है क्या। एंड इसके अंदर इंचेंटेड लूट है जो कि बहुत रेयर होती है। ओके तो इसे तो ट्राई करना बनता है। ओके तो अब हमारा बंदा आ चुका है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह पे, जिसे हम सब वुडलैंड मेंशन कहते हैं। एंड यहाँ पर रहना कोई भी सेफ चीज़ नहीं है, तो चलो देखते हैं ये अंदर कौन सा हमें नया सीक्रेट रूम दिखाने वाला है। वैसे हमारे वुडलैंड डायमेंशन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सीक्रेट रूम्स हैं किसी भी माइनक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स के मुकाबले, तो आई थिंक ये आगे और भी ऐसे वुडलैंड स्ट्रक्चर्स के सीक्रेट रूम्स दिखाने वाला है। एंड यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है जिसके अंदर बहुत सारे डाय रखे हुए हैं, बट ये तो आई थिंक मेरे को भी मिल चुके हैं काफ़ी बार, इसमें ऐसा क्या है। ओके तो इन्हें खोद रहा है, एंड ओ नो कुछ यहाँ पर लाइट जली, एंड यहाँ पर एक ट्रैप डोर हिडन है इन सारे डाइड वुल के बीच में। एंड ओके अभी नीचे जा रहा है, एंड बहुत ज़्यादा गहरी टनल है भाई, इतनी गहरी टनल बनाने का टाइम कब मिला प्लेजर्स को। एंड यहाँ पे नीचे कुछ जल रहा है, ओके तो ये किसी टाइप का सीक्रेट हैड आउट है। ओ अब मैं समझा कि जब हम वुडलैंड मेंशन को जला देते हैं तो भी हमें क्यों नहीं मिलता, ये इतना ज़्यादा सीक्रेट बना के रखा है इन लोगों ने। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा सीक्रेट बेस है, एंड इसके अंदर ओके ये तो इसके अंदर चेस्ट भी बहुत सारी रखी हुई है, तो इसमें बहुत सारी लूट भी होगी। एंड इसके अंदर जो है बेड्स वगैरह भी रखे हुए हैं। ओके तो ये सारा माल पूरा प्लेजर्स का है, मैं समझ गया। बट यहाँ पे फॉर सम रीजन आग लगी है, जो कि मुझे लग रहा है इसी बंदे ने किया है कुछ। एंड ये जो जगह है बिल्कुल अंडरग्राउंड है। ओके तो इस चीज़ को तो एक बार ट्रैक जरूर से करना पड़ेगा मेरे को। सो अब हम लोग आ चुके हैं दोबारा से एक भयंकर से वुडलैंड मेंशन के ऊपर, और यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर मरते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से हमारा हेलमेट और पूरा डायमंड का आर्मर पहन लेता हूँ, और एक शील्ड भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ऑलराइटी अब टाइम है अंदर जाने का। एंड ओके मेरे को डैमेज मिल रहा है बहुत गंदा। एंड ये देखो भाई हम लोग आ चुके हैं सीधे अंदर, और वो देखो ये क्या चीज़ है, आई थिंक यहीं कहीं से मुड़ा था ना वो। ओके यहीं कहीं से, ओ ये रहा वो रूम। तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ सच्ची है तो हम लोग को काफ़ी सारी लूट मिलने वाली है, और मैं अपने वर्ल्ड के अंदर जो है माला माल हो जाने वाला हूँ सही में। तो आई थिंक यहीं कहीं पर वो मिलता है ना, आई थिंक इसी जगह के नीचे, हाँ इस ब्लू वाले के नीचे मिल रहा था वो। ओ भाई साहब ये तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। चलो भाई नीचे चलते हैं, यहाँ पर एक और मेरे को सीक्रेट रूम मिल चुका है, एंड लेट्स गो। ये तो पिछले वाले की तरह बिल्कुल, वेट अ मिनट, ये पिछले वाले की तरह तो नहीं होना वाला ना यार, ये तो गलत बात है यार। मैं नहीं चाहता मेरे साथ एक बार दो बार स्कैम हो जाए, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये कुछ और हो, बट ओके ये तो सेम वही शिट है, जस्ट खाली नहीं इस बार, नो कोल है। बट फिर भी भाई बेकार है ये सब, तो मेरे साथ एक साथ दो बार लगातार स्कैम हो गया भाई। मैं सही में वुडलैंड मेंशन में तो तैयार होके आया था नीचे लूट वगैरह मिलेगी, लेकिन कोई नहीं भाई। हाँ वैसे इस छोटे मोटे सीक्रेट रूम जो है एग्जिस्ट करते तो है, लेकिन पता नहीं ये लोग तुम्हारे कितने काम में आने वाले हैं। सो यार मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीक्रेट रूम। ओके तो ये है रात का टाइम, एंड अब हमारा बंदा आ चुका है एक स्नोई विलेज के अंदर, और ये जो है बहुत ज्यादा रेयर विलेजेस होते हैं अपने आप में, लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट रूम भी मिल सकता है हम लोग को। ओके तो ये बता रहा है हमें कहाँ जाना है हमें। तो यहाँ पर अब तक तो सब कुछ सरफेस लेवल पे नॉर्मल ही लग रहा है मेरे को, लेकिन रूम कब दिखाएगा भाई। और राइट तो यहाँ पर एक गार्डन है अजीब सा, पता नहीं इसे क्या है, फार्मिंग एरिया ये तो। एंड ये इसे तोड़ रहा है, लगता है यहाँ पर भी कुछ सीक्रेट रूम मिल सकता है। ओके देखते हैं यहाँ पर इसे क्या मिलता है एक्चुअली। एंड और राइट सोचो इसे कुछ भी ना मिले, ये हमारे पागल बना रहा था, बट इसे मिल गया। यहाँ पर एक लैडर लगी हुई है, और ओके यहाँ पर अभी कोई भी नहीं दिख रहा है इसे, तो ये अंदर चला जाता है, अंदर जाना भाई। और यहाँ पर नीचे स्पाइडर वगैरह की आवाज़ आ रही है मेरे को कहीं से। एंड वो एमरल्ड डायमंड्स और गोल्ड, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर ब्लॉक्स होते, ब्लॉक्स और भी नहीं है तो सीधे ब्लॉक्स हैं, मतलब 9 डायमंड्स को मिला के एक ब्लॉक बनता है।
तो अगर हम इन सारे माइन कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाने वाले हैं, एंड हम लोग माला माल हो सकते हैं इससे। एंड यहाँ पर किसी का खाना वगैरह भी रखा हुआ है, और अंदर इंचेंटेड टेबल भी है, वो भी दो दो। ओके, तो यहाँ पर एक लीवर है, तो दिखा इससे क्या होता है। एंड ऑलराइट, तो इससे जो बुक्स निकल जाती हैं, इससे इंचेंटेड पावर की मैं क्या बोल रहा हूँ, इंचेंटिंग टेबल की पावर बढ़ जाती है इससे बेसिकली। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हिंडर अंडरग्राउंड बेस हो सकता है, अगर तुम्हें मिल जाए नहीं तो मैं दोस्त कभी नहीं ढूंढ पाएंगे तुम्हें SMP के अंदर। ओके, तो हमने फिर से एक और नया सीट डिस्कवर कर लिया, और ये होने वाला है हमारे वही फ्रॉस्ट वाले विलेज। एंड मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें एक्चुअली में हमें जो ढूंढना है वो मिलता है या फिर नहीं। तो बेसिकली आई थिंक यही गार्डन था ना, आई थिंक यही गार्डन था या फिर इसके बगल वाला वो तो नहीं था। ओके, देखते हैं बारी बारी करके टेस्ट करेंगे इसे। ओके, एक लेते हैं एक्स बढ़िया से, इसे पूरी जगह काट देते हैं। यहाँ पर सर्वाइवल होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है सही में, एंड ये तो बहुत जल्दी मिल गया मेरे को। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी अच्छी लूट होनी चाहिए। चलो जल्दी जाते हैं अंदर। एंड यहाँ पे मेरे को दिख तो रहा है सब कुछ, आई होप सो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो, बस मेरा लास्ट टाइम की तरह स्कैम ना हो जाए। एंड ओके, एंड ये तो एक छोटा सा रूम है, एंड इसके अंदर चेस्ट में बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं, बहुत सारे पोटैटो और मेलन ब्रेड और पम्पकिन। ओह, ये सब तो नॉर्मल फार्मर के आइटम्स हैं। ओके, तो इस सीक्रेट रूम्स मेक सेंस, क्योंकि ये जो जगह है फार्मर का सीक्रेट बेस है ना, तो इसके अंदर जितना भी सारा आइटम है वो सब कुछ एक फार्मर का है। एंड बेसिकली हाँ, मैं दोबारा से एक बार स्कैम हो चुका हूँ, बट कोई बात नहीं यार, हमें सीक्रेट रूम के बारे में पता तो चल रहा है, इन सब के बारे में मेरे को पहले नहीं पता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो है और थोड़ा ट्राई करते हैं और थोड़े बहुत अच्छे सीक्रेट रूम्स के बारे में पता लगाते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा बंदा फिर से एक स्नोई लोकेशन के अंदर आ चुका है, एंड देखते हैं आखिरी आया कहाँ पर है। तो ये बेसिकली एक इग्लू के पास आया है। तो बेसिकली हाँ, मेरे को भी पता है इग्लू के अंदर भी एक सीक्रेट बेस होता है, जहाँ पर हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है, विलेजर मिल जाता है, उसे हम हील कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक ट्रैप डोर है, आई थिंक मोस्टली लोग को इसके बारे में पता, अगर तुम्हें पता है तो बताना मेरे को कमेंट के अंदर। एंड मेरे को तो इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्या खास दिखाने वाला है। मुझे तो इस पर अब ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, बट एनीवेज यहाँ पर एक विलेजर है ज़ॉम्बी, इसे हम ठीक भी कर सकते हैं। तो यार अगर तुम लोग को नहीं पता, तो एक ज़ॉम्बी विलेजर को ठीक करने के लिए उसके ऊपर एक वीकनेस का पोशन डालो और उसे गोल्डन एप्पल दे दो, तो फिर वो 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए क्या कर रहा है यहाँ पर? ओ नो, मुझे नहीं पता था इसके नीचे एक और एक्सटेंशन। व्हाट, यहाँ पर तो सीढ़ियाँ जा रही हैं। और ओके, तो यहाँ पर एक और सीक्रेट रूम है, इसके बारे में मेरे को नहीं पता था, तो अच्छा हुआ इस बंदे ने मेरे को कुछ नया बताया यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक इतना बड़ा सीक्रेट बेस है। ओके, तो यहाँ पर आई गेस मेरी थियोरी ये है, यहाँ पर कोई साइंटिस्ट काम किया करता था और उसी का ही सीक्रेट बेस है, और वो ऊपर विलेजर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था। एंड यहाँ पर बहुत सारी लार्ज चेस्ट रखी हुई हैं। डैम भाई, अगर ये चीज़ ना तुम्हें सर्वाइवल मिल जाए ना, तुम्हारा तो काम बन जाएगा। यहाँ पर इतनी सारी लूट है, मतलब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रात में मॉब से भी डर के नहीं भागना पड़ेगा। ओके, सो हम आ चुके हैं दोबारा से हमारे सीड की लोकेशन पे, और वो रहा हमारा इग्लू जहाँ पे हमारा मिशन बिगिन होगा। ओके, जल्दी से यहाँ पे चलते हैं। एंड यहाँ पे पानी नहीं है तो मैं कूद जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो अंदर चलते हैं। ऑलराइट, तो इग्लू वाले बेसिस के बारे में मेरे को बहुत पहले से पता था, मेरे को पता था यहाँ पर एक सीक्रेट बेस तो होता है यहाँ पर कहीं। ओके नाइस, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। और मेरे को नहीं पता था इसके नीचे एक और छोटा सा बेस होता है। ओके, चलो यहाँ पे हम अंदर पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ पर एक मिनट, ज़ॉम्बी नहीं है यहाँ पे, ज़ॉम्बी विलेजर है नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक चेस्ट तो है, एंड ये खाली है। ओके, मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, इसे जल्दी से हम लोग जो है माइन कर लेते हैं। एंड अब हम लोग जो है नीचे चलते हैं जल्दी से, एंड देखते हैं कि आखिर हम लोग को जो है हमारा ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है या नहीं। एंड ये कौन सी जगह है? मैंने सोचा था यहाँ पे बहुत सारी लूट होगी, एक सीक्रेट हिडन बेस होगा, लेकिन यहाँ पे तो नीचे घास उग रखी है। और ये कौन से लेवल पे हूँ मैं? आई थिंक 46 लेवल पे हूँ और अंडरग्राउंड हूँ, एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसे ग्रास का होना कॉमन है। ओके, तो मेरे को हिडन बेस तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को काफी ज़रा अजीब सी चीज मिली, क्योंकि हाँ ये डेफिनेटली एक सीक्रेट बेस तो है, लेकिन बहुत ज़रा अजीब है जो भी कहो। एनीवेज, तुम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मेरे को बताना कमेंट के अंदर, लेकिन अब हम चलते हैं अगले सीक्रेट रूम की तरफ। ओके, तो अब हमारा बंदा आ चुका है डेजर्ट टेम्पल के पास में, एंड यहाँ पर देखते हैं ये हमें कौन सा नई चीज़ दिखाने वाला है। वो नॉर्मल बेसिक वाली चीज़ तो नहीं दिखाएगा, मेरे को पता चल गया पिछले वाले मिथ के बाद में। ओके, तो वो रहा हमारा डेजर्ट टेम्पल, जल्दी अंदर जा। एंड देखते हैं इसे यहाँ पर आखिर मिलता क्या है। तो ओके, चल अंदर जा यहाँ से। तो ये ऊपर से एंट्री मारे, क्योंकि आगे से रास्ता आई थिंक ब्लॉक है। एंड ओके, ये छोटे मोटे चीज़ों के बारे में तो हम लोग को भी पता है, लगता है ये और भी ज़्यादा कुछ नया बताएगा हम लोग को। ओके, अंदर गया, यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, इसे तोड़ दो, इस प्रेशर प्लेट को तोड़ दिया करो, नहीं तो यहाँ पे धमाका हो सकता है, क्योंकि नीचे होते हैं बहुत सारे TNT। ओके, इन चीज़ों से बच के रहना पड़ता स्टार्टिंग में। ओके, तो ये TNT को यहाँ पे तोड़ रहा है। एंड ओके, अभी तक तो हमें कोई भी सीक्रेट रूम हमें यहाँ पे नहीं मिला है। कुछ कर भाई जल्दी। एंड ओके, तो अब इसने नीचे तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। एंड आई थिंक यहाँ पर ओके, ओ
यहाँ पर एक छोटा सा हाइड आउट है एक बेड और एक चेस्ट के साथ में। वेल ये इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है क्योंकि बस एक चेस्ट और एक बेड है, लेकिन देखते हैं चेस्ट के अंदर क्या है आखिर। और इसके अंदर जो है डायमंड आर्मर और डायमंड स्वॉर्ड, एक डायमंड और काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। तो ये जो चीज़ें डेफिनेटली हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ सकती हैं अगर सर्वाइवल के अंदर हैं हम तो। ओके, तो वो रहा हमारा डेजर्ट पिरामिड, मेरे को यहाँ से दिख रहा है थोड़ा बहुत, और इसी के अंदर हम लोग टेस्ट करने वाले हमारा अगला। ओके, मैं गिरते गिरते बचाऊँ, वाटर बकेट भी लाना चाहिए थे मेरे को अपने साथ में, बट कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट, तो यहाँ पर एक डेजर्ट पिरामिड, यहाँ पर मैं ऊपर से एंट्री मारूंगा, यहीं कहीं से रास्ता है इसका। कहाँ गया? ओके, रहा। ओ, ये तो बहुत गहरा है, चलो चलते हैं अंदर से, रिस्क लेना बनता है। एंड ओके नाइस, अब यहाँ पर मेरे को बिल्कुल ही संभलते संभलते नीचे पहुँचना है, और यहाँ पर सबसे पहले इस प्रेशर प्लेट को तोड़ देना है। ओके नाइस, इसे तोड़ दिया मैंने, एंड यहाँ पर बहुत सारा हमें TNT मिलता है, इसे जल्दी से तोड़ देता हूँ मैं, कि मैं नहीं चाहता यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोड वगैरह हो जाए। बाकी ये सब चेस्ट वगैरह है, इन्हें बाद में खोल के देखूंगा मैं। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा था यहाँ पे, और थोड़ी डिगिंग कर रहा था, तो उसे यहाँ पे एक और सीक्रेट बेस, मैं डर गया सही में यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन ये जगह उसके सीक्रेट बेस से थोड़ी अलग है, यहाँ पर दो चेस्ट है एंड एक, दो तो रेडस्टोन चेस्ट है एंड एक नॉर्मल वाली चेस्ट है। एक मिनट, ओके, तो ये भी एक ट्रैप है, अगर मैंने इसमें से इन दोनों चेस्ट को खोला होता तो फिर ये जगह पूरी बूम हो जाती, लेकिन ये वाली चेस्ट जो है नॉर्मल है। इसे खोलता हूँ एंड इसके अंदर एंजेंटेड गोल्डन एप्पल और काफ़ी सारे लूट है, काफ़ी बढ़िया लूट है एक्चुअली इसमें। ओके, इसे ले लेता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पर, एंड अब मैं क्या करता हूँ, इस चेस्ट को खोल लेता हूँ और यहाँ पर धमाका होने वाला है, तो जल्दी से भाग लेता हूँ। ओ नो, ओके ओके, बच के बच के बच के, एंड वेल मैंने जगह को एटलीस्ट सर्वाइव कर लिया, और लावा लावा बह रहा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है वापस से सरफेस के ऊपर जाने का। तो है ये चीज़ काम तो करती है, एंड मुझे लगता है वो जो जगह है ना थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। ओके, तो अब ये बंदा आ चुका है दोबारा से एक विलेज के अंदर, और मेरे को तब बड़ा मजा आता है जब ये जाता है विलेज के अंदर, क्योंकि विलेज जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन से मिलने वाला स्ट्रक्चर है, एंड हमें नहीं पता होता इसके अंदर कितने सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तो फिर देखते हैं अब ये कौन सा सीक्रेट रूम हमें दिखाने वाला है। वैसे इसने बेल वाला दिखाई देता वीडियो के स्टार्टिंग में, लेकिन अब देखते हैं कौन सा दिखाने वाला। तो बेसिकली यहाँ पे अभी मेरे को तीन तीन घर दिख रहे हैं। ओके, एक घर के अंदर जा रहा है, एंड यहाँ पे येलो कारपेट लगा हुआ है, तो ये कार्टोग्राफर का एक छोटा सा घर है, एंड मुझे नहीं लगता इसका ना कुछ मिलने वाला है। ओ, मेरे को लगा था इस कारपेट के नीचे कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन वाट, ओके, मेरे को थोड़ा, मैं थोड़ा जल्दी बोल गया क्योंकि इसके नीचे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये बाहर क्यों जा रहा है बाहर? ओके, तो दिखा रहे कि बाहर से बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ। ओके, अंदर जा, एंड यहाँ पर बाउंड्री लग रखी है, तो ये बेसिकली एक हिडन हाइड आउट है, और यहाँ पर मेरे को अजीब सी आवाज़ आ रही है, एंड यहाँ पर एक ब्लेज है, लेकिन ब्लेजेस तो नेदर में मिलते हैं, ये कैसे हो सकता है? ओके, तो यहाँ पर एक ब्लेज पड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक ब्रूइंग स्टैंड भी है, तो आई थिंक ये जो जगह है पक्का किसी साइंटिस्ट की थी। एंड ओके, तो यहाँ पर एक ये ब्लेज को दिखा रहा है थोड़े गौर से, तो इस चीज़ को एक बार ट्राई तो करना बनता है अभी। ओके, तो हम आ चुके हैं उसी विलेज के अंदर जहाँ पर ये सीक्रेट रूम मिला था, एंड ये सेम सीड है, तो फिर आई थिंक इसी घर के अंदर, या इसके ऊपर येल्लो लगाया ना, तो हाँ इसी के अंदर येल्लो कारपेट था, इससे उसे तोड़ा था। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत वुड वगैरह भी, इसे भी हम तोड़ के देख लेते हैं कैसी है। एंड क्या उसे तो इतने में मिल गया था यहाँ पर, मेरे को तो नहीं मिला। वेल ये तो गलत, ओके मैं थोड़ी जल्दी बोल दिया, लेकिन चलो नीचे चलते हैं दोबारा से हम लोग, एंड हो सकता है हम लोग को उससे अच्छी लूट मिल जाए। एंड ये ओके, ये तो फिर से वही हमारे नॉर्मल बेसिक वाला सीक्रेट रूम है। चलो इसके चेस्ट खाली क्यों है? ओके, यहाँ पर कॉबवेब्स भी हैं, एंड मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत, मैं ऊपर कैसे जाऊँ मेरे को खुद नहीं पता। ओके, अब मैं जा सकता हूँ ऊपर, नाइस बच गया मैं फाइनली। वेल देखा जाए तो इतना बुरा भी नहीं था, मैं बेसिकली सीक्रेट रूम ढूंढने आया था लूट लेने थोड़ी। तो यार अगर ऐसे और सीक्रेट रूम देखने तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, नहीं तो अगर माइनक्राफ्ट में उसकी रियल लाइफ इमेज देखने तो फिर राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। एंड अगर ऐसी और वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।